Hello friends, welcome again in my YouTube channel Mind Blowing Engineers Point। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में यानी जस्ट हम लोग ने यूनिट टू में देखा था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में यानी अब यूनिट थ्री में हम लोग देखेंगे कि मोनिटर क्या होते हैं, इसका एडवांटेज, किन टाइप के मोनिटर होते हैं, सीपीयू क्या होते हैं, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, और इस सभी के टाइप्स के बारे में देखेंगे। और इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप्स, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, इसके अंदर जो वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट, एक्सेस, शेयर पॉइंट, पब्लिशर, वन नोट, आउटलुक, इसी ये सब देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मोनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ गिवन इनपुट बाय द यूजर। मोनिटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट देती है, किसी भी इनपुट का आउटपुट देती है। यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाएगा कंप्यूटर को उसका आउटपुट निकाल कर देती है, आउटपुट मतलब रिजल्ट निकाल कर देती है, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा आपके इनपुट का वो इसके पूरे मतलब स्क्रीन पे आपको शो करेगा। मॉनिटर इज एन इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले द आउटपुट। मॉनिटर जो है कंप्यूटर के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आउटपुट दिखाने का काम करती है, आउटपुट शो करता है मॉनिटर पे, ठीक है। मॉनिटर लुक्स सेम एज द टेलीविजन। मॉनिटर जो है टेलीविजन की तरह दिखता है, टेलीविजन मतलब टीवी की तरह, टीवी आपने अपने घरों में देखा होगा, सेम उसी तरह दिखता है। देखने में इसका जो लुक है सेम टीवी की तरह होता है। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। इसका यूज जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए यूज किया जाता है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज ब्लू पोर्ट। देखिए यहाँ पर मॉनिटर को कह रहा है कि मॉनिटर को ब्लू पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर को ब्लू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए फीचर्स ऑफ मॉनिटर देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ मॉनिटर क्या होता है। साइज के बारे में, फीचर्स में इसका आ जाएगा साइज क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, इसका रिफ्रेश रेट क्या है, डॉट पिच क्या है, इटीसी आ जाएगा। चलिए साइज देख लेते हैं। नाउ एडेज मॉनिटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉनिटर इज 13 to 16 inches। द साइज ऑफ मोनिटर इज मेजर डायगोनल। मोनिटर इस समय जो आ रहा है मोनिटर वह अलग अलग साइजों में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट साइज, बहुत से साइज का मोनिटर आ रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है मोनिटर का वह है आपका 13 inch से लेकर के 16 inches तक, ठीक है। 13 inch से लेकर के 16 inch तक का मॉनिटर आता है, वो स्टैंडर्ड साइज है आपके मॉनिटर। मॉनिटर को जो मेजर करते हैं वो डायगोनली मेजर करते हैं, को डायगोनली मापते हैं, यानी यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक ऐसे मापेंगे, ना कि आपको ऐसे ओरिजेंटली, ठीक है, ओरिजेंटली ऐसे नहीं मापा जाता है, या फिर ऐसे वर्टिकली नहीं मापा जाता है, ठीक है। कभी मापेंगे
डायगोनली ही मापेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। मॉनिटर मेजर्ड डायगोनली, मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली, डायगोनली मापा जाता है। रिजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन का कहने का यहाँ क्या मतलब हुआ कि क्वालिटी ऑफ आपका पिक्चर, यानी जो आउटपुट या शो करता है, जो पिक्चर का इमेज का क्वालिटी शो करता है, उसका मतलब किस क्वालिटी का पिक्चर शो करेगा। तो जितना ही रिजोल्यूशन आपका अधिक रहेगा मॉनिटर का, उतना ही पिक्चर जो है, पिक्चर का क्वालिटी जो है अच्छा शो करेगा। इसके देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। पिक्सल जो होता है वेरी टीनी फॉस्फोरस डॉट होता है। फॉस्फोरस डॉट का मतलब एकदम छोटा सा डॉट, जैसे कि यदि आप पेन कहीं गिराते हैं किसी पेज पे, तो वहाँ जो डॉट बनता है उस टाइप का होता है आपका पिक्सल, ठीक है, फॉस्फोरस डॉट होता है। टीनी पिक्सल, पिक्सल का मतलब आपका हो गया इमेज का एकदम छोटा से छोटा भाग को हम पिक्सल कहते हैं, एक छोटे से छोटे पार्ट को हम पिक्सल कहते हैं। द इमेज क्वालिटी इज डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ ए मोनिटर। जस्ट हमने आपको बताया था पहले कि इमेज का क्वालिटी जो है डिपेंड करता है आपके रिजोल्यूशन, आपके मोनिटर के रिजोल्यूशन, ठीक है। ए रिजोल्यूशन ऑफ 640x480 मीन्स 640 पिक्सल्स हॉरिजेंटली, 640x480 वाले जो रिजोल्यूशन के जो मॉनिटर होते हैं उसमें 640 पिक्सल्स आपका हॉरिजेंटली होगा, और 480 पिक्सल जो होंगे इमेज के जो पिक्सल्स वो आपके वर्टिकली होंगे, ठीक। मोस्ट मोस्ट मॉनिटर प्रोवाइडेड द रिजोल्यूशन ऑफ 800x600 और 1024x768 ETC, यानी अधिकतर जो मॉनिटर आ रहे हैं वो 800x600 रिजोल्यूशन के आ रहे हैं, या फिर 1024x768 रिजोल्यूशन के आ रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वीडियो इज डिपेंड ऑन द वीडियो कंट्रोल। आपके कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाता है, छोटा सा डिवाइस जो कि इमेज वगैरह प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है वीडियो कंट्रोलर। वीडियो को कंट्रोल वही करता है। तो जो आपका रिजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है वीडियो कंट्रोलर पर, यानी इमेज क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी जो है डिपेंड करता है आपका वीडियो कंट्रोलर पे। वीडियो कंट्रोलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रिफ्रेश रेट क्या है। रिफ्रेश रेट इट मींस नंबर ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन गन्स स्कैन द एवरी पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब आपका हो गया कि पुराने जो मॉनिटर होते थे CRT मॉनिटर, यहाँ पे CRT मॉनिटर आपको आगे बताएंगे अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको CRT मॉनिटर बताएंगे। तो CRT मॉनिटर में क्या होता है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन को कोट करने का काम करता है, यानी छोटे छोटे टीनी फॉस्फोरस डॉट को स्क्रीन पर दागते हैं, यानी फायर करते हैं, जो कि कोट करने का काम करता है। उन सभी पिक्सल्स को 1 सेकेंड में यह इलेक्ट्रॉन गन कितना टाइम्स जो है स्कैन कर रहा है, उसी को हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। अगर 1 सेकेंड में जितना ही अधिक वह
पिक्सल्स को स्कैन करेगा उतना ही आपका इमेज क्वालिटी और डिफरेंट एंगल से जो देखने का आपका देखते हैं पिक्चर्स को वो अच्छा दिखेगा। डॉट पिच, अब डॉट पिच क्या होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फोरस डॉट्स दैट क्रिएट ए सिंगल पिक्सल इज कॉल्ड अ डॉट पिच। डॉट पिच उसे कहते हैं जैसे कि दो या दो से अधिक फॉस्फोरस डॉट यानी पिक्सल फॉस्फोरस डॉट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके बीच एक सिंगल पिक्सल बनता है उसी को हम डॉट पिच कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फोरस डॉट्स दैट क्रिएट ए सिंगल पिक्सल इज कॉल्ड द डॉट पिच। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और अपने छोटे भाई या बड़े भाई, ताकि वे लोग भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज को आगे बढ़ा सके, अपने नॉलेज को ग्रो कर सके। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।